अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या करते हो तुम लोग कंबाइंड स्टडी के? ये सिगरेट, पार्टी, म्यूजिक, ये तुम्हारी कंबाइंड स्टडी? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? सब जानती हूँ मैं। ओ हेलो, कम ऑन मॉम, आप हमेशा हमारे पर शक करते रहते हो। मैं शक करती हूँ। अगर तुम लोग इतनी ही स्टडी करते हो तो तुम दोनों के मार्क्स क्यों नहीं आते? ओ शट अप मम्मा, आपके मुंह में जो आ रहा है वही बके जा रही हो कब से। ये कोई तरीका अपनी माँ से बात करने का? बर्बाद हो चुके हो तुम दोनों, बर्बाद। प्लीज मम्मा, सुबह सुबह हमारा मूड मत खराब करो। अगर आपको हमारी इतनी फिक्र है तो हमारे साथ कभी टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हो? खुद तो सुबह से लेकर रात तक बैंक में रहते हो, कभी हमारे कॉलेज भी नहीं आती और ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगाती रहती हो। मैं बैंक में मैनेजर हूँ, तुम लोगों को पता है कितनी जिम्मेदारी है मेरे सर पे, कितना काम है। और अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारी ये सारी अय्याशियां, तुम्हारी सारी फरमाइशें कैसे पूरी होंगी? बोलो, कोई जवाब है? नौकरी करती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो। डैड तो हमें छोड़ के चले गए तो अब पालेगा कौन हमें? ऑब्वियसली आप, पैदा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कभी तुम दोनों ने मेरे बारे में सोचा है? तुम लोग ना, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। तो जान से मार दो ना, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है, कभी नहीं समझ पाओगे तुम दोनों मुझे। मैं जा रही हूँ, नाश्ता किचन में रखा है, खा लेना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हर्ष, वो लेदर रजिस्टर कैबिन में लेकर आना। जी मैम, अभी लाता हूँ। मैं कमिन मैम। हर्ष, कमिन। थैंक यू। बैठो बैठो। थैंक यू मैम। हर्ष, कल हमारे बैंक से कितने डेबिट और कितने क्रेडिट हुए हैं उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? या मैम, आई हैव लेजर रिपोर्ट, अभी दिखाता हूँ आपको। मैम, अकॉर्डिंग टू दिस लेजर रिपोर्ट, कल हमारे बैंक के अकाउंट से 30 लाख रुपीज़ डेबिट हुए हैं एंड 50 लाख रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। एंड इफ वी गो दिस वे, हमारे बैंक के रेशोज 10-20% इंक्रीज हो जाएंगे। एंड उसके बाद गुड गोइंग, इसी तरह काम करते रहोगे तो बहुत जल्दी मैनेजर की कुर्सी पर बैठोगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने कहा
It means a lot to me. मैम वो काउंटर पे कस्टमर वेट कर रहे हैं, मैं चलूं? Yeah. Okay. Thank you, ma'am. वक्त है छोटे से ड्रामे का. अलार्म की आवाज. हर्ष तुमने यहाँ फायर अलार्म बजाया, चलो. अरे चलो मैम ये कैश. अरे जान तो खतरा है, आग लग रही है, चलो निकलो निकलो सब लोग निकलो, खाली करो बैग, चलो निकलो. भगवान का शुक्र था ना आग नहीं लगी थी. हाँ स्मोक अलार्म था शायद. थैंक गॉड मेरी तो जान ही बच गई. आपका काम हो गया मैडम, और सीसीटीवी का भी फिक्र ना कर. ये बात अपने तक रखना, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए. और मैडम मेरा इनाम? इनाम भी मिल जाएगा, बैंक बंद होने के बाद मुझे मिलो. जा. जी. अब शुरू होगा तमाशा. क्या हुआ? क्या मैम, जब मैं आपको लेजर रिपोर्ट चेक करवाने आया था. एक मिनट एक मिनट, तुम बैठो, पानी पियो पानी पियो. अब बोलो. मैम वो मेरे कैश बॉक्स से किसी ने 8 लाख रुपए निकाल लिए. व्हाट? यस मैम. मैम जब मैं आपके पास लेजर चेक करवाने आया था तब तक वो पैसे मेरे पास ही थे, बट अभी जब मैंने जाके चेक किया तो 8 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है. I don't know कि वो पैसे कहाँ गए और कौन लेकर गया उसे. जब कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ड्रॉ ठीक से चेक किया? या. ध्यान से देखो, वो रुपए वहीं कहीं होंगे. मैंने देखा बट. एक काम करो, वो कैश को फिर से काउंट करो. हमारा स्टाफ बहुत ईमानदार है, कहीं नहीं गए होंगे रुपए, वहीं कहीं होंगे. हाँ ठीक है मैम. जाओ और कैश को फिर से काउंट करो. इस तरह से घबराओ मत. ओके ओके मैम, मैं अभी देखता हूँ. हाँ ओके. आ गए आप? ये बैग दीजिए, आप बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं. ये लीजिए पानी. अरे पीजिए ना. नहीं. परेशान से लग रहे हैं, कोई बात है क्या? बताइए ना. क्या बात है हर्ष? सॉरी सॉरी श्री. वो कोई बात नहीं. सॉरी श्री, वो मैं किसी उलझन में था इसीलिए. कैसी उलझन? वो बैंक में मेरे साथ आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. कैसी गड़बड़? एक्चुअली मेरे कैश ड्रॉअर से किसी ने 8 लाख रुपए गायब कर दिए. गायब हो गए? अब क्या होगा? होना क्या है, हर कल तक मैंने बैंक को 8 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरे ऊपर गबन का इल्जाम लग जाएगा, पुलिस की इंक्वायरी बैठेगी, नौकरी भी जा सकती है, शायद जेल भी हो जाए. लेकिन हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? यही तो प्रॉब्लम है श्री, कहाँ से लाए इतना कैश?
जी मैम। कैश का कुछ पता लगा हर्ष? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। अब क्या करोगे? अगर कैश का इंतजाम नहीं हुआ तो सारा इल्जाम तुम पे आ जाएगा। नहीं मैम, मैं उसी के इंतजाम में लगा हूँ, बट तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कहाँ से लेके आऊंगा। वो तुम्हारा सर दर्द है हर्ष, मेरे बस में कुछ नहीं है। ये बैंक का मामला है और अगर कल तक तुमने ये कैश नहीं पहुंचाया ना तो मुझे ये बात कल हेड ऑफिस पहुंचानी होगी, फिर वो जो चाहे एक्शन ले। नहीं मैम, आप बस मुझे कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए, मैं करता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। देखो हर्ष, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें पूरी मोहलत देती। बैंक के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और तुम्हारी तरह मैं भी तो बैंक के एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी ये रूल्स फॉलो करने हैं। अब देखो तुम किसी भी तरह जल्दी से जल्दी इस कैश का इंतजाम करो, वरना अगर बात हेड ऑफिस तक चली गई ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, मुझे जितनी मदद होगी मैं तुम्हारी करूंगी। ओके। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत सीधी और सिंपल सी लाइन है। हम जब कभी भी कहीं यात्रा कर रहे होते या सड़क पर कई बार ये लाइन लिखी देखते हैं और देखकर अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस लाइन के मायने कितने गहरे हैं जरा सोचकर देखिए। हमारी जरा सी चूक हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इस बात का अंदाजा हमें तभी होता है जब हमारी जरा सी लापरवाही हमें एक ऐसे भंवर में फंसा देती है कि जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। ये लाइन लिखने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि उसने एक छोटी सी लाइन में जिंदगी का कितना बड़ा फलसफा लिख दिया है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की इस कहानी में हर्ष भी एक अनचाही घटना का शिकार हो गया था। दोस्तों, हर एक बैंक में कैशियर का एक अलग केबिन होता है, उस केबिन में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होती सिवाय कैशियर के, और कैशियर को भी बैंक से यह हिदायत होती है कि अगर वो कहीं बाहर जाए तो उस केबिन को लॉक करके जाए। उस दिन बैंक में जब स्मोक अलार्म बजा तो हर्ष अपनी केबिन लॉक करना भूल गया, जरा सी असावधानी और उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। अब हर्ष इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाता है, आइए देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरे सामने सिगरेट पी रही हो, माँ हूं मैं तुम्हारी। रिलैक्स मॉम, मुझे नहीं पता था कि आप यहां होने वाले हो। ये क्या एटीट्यूड है हा? देखो देखो, तुम दोनों अब समझदार हो गई और ये बात तो समझ ही सकते हो कि हम लोग एक दूसरे को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी कर रही हूँ। हाँ, मेरी पूरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि किसी को अपने बाप के रूप में एक्सेप्ट करना तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरी खातिर तुम्हें अपने नए पापा को अपनाना ही होगा। तुम लोग तो समझदार हो ही, जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, और देखो ना, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मुझे भी एक हमसफर, एक साथी की ज़रूरत महसूस होती है, और मैं अकेली तुम लोगों का ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। मेरा पूरा दिन बैंक में चला जाता है, जब शाम को मैं थक हार कर घर पर वापस आती हूँ तो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस डिसीजन में मेरा साथ दो। श्री, ये क्या है? ये मेरे कुछ कहने हैं, इसे बेच कर देख लीजिए पैसों का कितना इंतजाम हो सकता है। अरे श्री, ये तुम्हारे कहने हैं, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ, सुख दुख में साथ देने का वचन दिया है, और आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं श्री, मैं इसे नहीं ले सकता। फिलहाल मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ, प्लीज ये रख लीजिए। बट श्री,
ले लीजिए ना। जी मैम, वो पूरे पैसे तो नहीं, लेकिन ये 4 लाख रुपए लेकर आया हूं मैं, और बाकी के पैसे भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। बस मैम प्लीज ये इंक्वायरी रुकवा दीजिए। हर्षो मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि इन 4 लाख रुपए से तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए, बाकी की रकम तुम इस वीकेंड तक जमा करवा देना। बट मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतने कम समय में मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आऊंगा, और जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने सब दे दिया है। बस मैम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ समय दिलवा दीजिए। पता है हर्ष, मैं तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत और कितनी लगन से काम करते हो, सिर्फ इसलिए मैंने तुम्हारी कंप्लेंट हेड ऑफिस तक नहीं की। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस वीकेंड तक तुम बाकी के 4 लाख का इंतजाम कर दो। ठीक है मैम। सुनो हर्ष। जी मैम। हर्ष मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, और मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तुम चाहो तो मैं किसी के थ्रू तुम्हें लोन भी दिलवा सकती हूँ। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो चाचा चाची, आपके लिए लेके आया हूँ सांप, जंगल से पकड़ कर, बहुत ही जहरीले सांप। आपको मैं सांप दिखाऊंगा, डरना नहीं, मैं हूँ, मुझसे बहुत डरते हैं सब जना। ये अभी सांप देखो। ए बाबा रुकना, मुझको ही काट रहा, मैं ही लेके आया जंगल से। आ बाबा इधर आ जा, ये सांपों का राजा है, सांपों का राजा, इसे कहते हैं किंग कोबरा इंग्लिश में। एक बार किसी को डंक मार देना तो इंसान सीधा ऊपर चला जाता है, पानी भी नहीं मांगता है। चाची लेके जाओगे घर पे? ए बाबा तू इधर आ जा, हाँ चल अंदर चला जा, हाँ ठीक से, हाँ तुझे कुछ नहीं करेंगे। हाँ अभी ये सांप है, इसे प्यार करते हैं बाबा बर्फानी, इसका काटा मांगे ना पानी। वाइपर कहते हैं वाइपर, एक बार अगर किसी को काट ले तो इंसान सीधा मर जाता है, पानी भी नहीं मांगता, इतना जहरीला सांप है ये। हाँ अरे बाबा तू नीचे आ जा, चल बैठ जा यहाँ पे, चाहिए चलो चलो बाबा तू इधर बैठा रहे, लोगों को डरा मत बाबा। हाँ और लीजिए ना। नहीं बस एक तो लीजिए। श्री बोला ना नहीं। रात तक कोई आया? मैं देख कर आती। माँ कैसी हो आप इस तरह से अचानक? सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। सुनिए माँ आई है। नमस्ते मम्मी। कैसे हो? जी मम्मी मैं ठीक हूँ। बस तुम दोनों से मिलने का मन किया इसलिए चली आई। कैसे हो तुम दोनों? जी मम्मी सब बढ़िया। चलो अच्छी बात है, भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए। माँ अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। श्री माँ आप चलिए हम आते हैं। श्री वो मम्मी जी से बात करके देखो ना, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। माँ मैं माँ से कैसे पूछूं? बट एक बार ट्राई तो करके देखो, शायद कोई रास्ता निकल जाए। प्लीज मेरे लिए। ठीक है हम मौका देखकर बात करते हैं।
डैड से कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलना। माँ वो बात ये है कि श्री क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? तेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक है ना बेटा? नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। लेकिन हर्ष जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, उन पे 8 लाख रुपए का गबन का इल्जाम लगा है। क्या? हाँ माँ, हम 4 लाख रुपए तो दे चुके हैं लेकिन 4 लाख रुपए और भी देने हैं माँ। बेटा तुझे तो पता है ना, तेरी शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था, अभी तक तो मैं वही उधार नहीं उतार पाई हूँ, और ये 4 लाख रुपए का इंतजाम। बेटा मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ परेशान मत होइए, हम करते हैं। हर्ष मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम तो टाइम के बड़े पंचुअल हो, आओ बैठो। ड्रिंक? नो नो थैंक यू। अरे एक तो ले ही सकते हो, यहां मैं तुम्हारी बॉस नहीं तुम्हारी दोस्त हूं। मैं सोच रही थी ये क्या ना बैठे बैठे तुम्हारी जिंदगी में ये नई मुसीबत आ गई। क्या करें मैम, किस्मत ही खराब। घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पता नहीं मैम क्या होने वाला है। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो, और अगर ये बात पुलिस तक चली गई तो तुम्हारा सीआर खराब हो जाएगा, बदनामी होगी वो अलग, और नौकरी तो कहीं मिलेगी ही नहीं। मैम वो मैम मेरी नीरजा, नीरजा बोलो मुझे, तुम घर पर हो, हम दोनों दोस्त हैं, पियो ना जी। एक रास्ता है मेरे पास तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाने का। जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इस गबन के इल्जाम से बाहर निकलना। सोच लो। जी इसमें सोचना क्या है, अपने करियर को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है तो हम एक डील करते हैं, तुम्हें 4 लाख रुपए की जरूरत है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, मुझसे शादी करनी होगी। What? ये क्या बोल रहे हैं मैम आप? मैम शायद आपको पता नहीं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं और मेरे घर पे बीवी है। शांति से मेरी बात सुनो, तुम्हें इस वक्त 4 लाख रुपए की जरूरत है, वरना तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा, और मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है, और सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकती है। मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी, बदले में मैं बस इन पैसों की कीमत मांग रही हूँ। मैम आप बहुत बड़ी कीमत मांग रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बीवी की होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो बीवी से कैसे छुटकारा पाना है वो तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें इस मुसीबत से कैसे निकालना है वो मुझ पर छोड़ दो। इट्स अ सिंपल डील। ये बैंक का मामला है, और अगर कल तक तुमने ये कैश नहीं पहुंचाया ना तो मुझे ये बात कल हेड ऑफिस पहुंचानी होगी। तुम्हें इस वक्त 4 लाख रुपए की जरूरत है,
वरना तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा। मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी, बदले में मैं बस इन पैसों की कीमत मांग रही हूँ। मैम आप बहुत बड़ी कीमत मांग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पर इतने पैसे लाऊंगा कहां से? इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अरे मम्मी जी, वो मुझे एक फाइल नहीं मिली थी, बस वो फाइल नहीं है। फाइल? मेरे बैग में? अच्छा, ये आपका बैग है? आई थॉट ये श्री का बैग है। एक्चुअली श्री के पास ही सेम ऐसा ही बैग है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया बस। अच्छा मम्मी जी, आप सो जाइए, मैं चलता हूँ। चाय देना। क्या जमाना आ गया यार, सुना तूने? असुधा बैंक के कैशर ने 8 लाख का गबन कर दिया। बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है। बैंक का पैसा, उसका गबन, ऐसे इंसान को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों के हवाले क्या कि नहीं उसे? और नाम क्या उस हरामी का? नाम तो बताया नहीं बैंक ने, पर ये जो भी इंसान है बहुत गिरा हुआ है। अगर मुझे मिल जाए तो उसे जूतों से मारूं। बेचारा हर्ष, जरा से गलती की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी उसे। बात समाज में फैलने लगी थी, बदनामी होने लगी थी। हर्ष का कसूर सिर्फ इतना था कि उस दुर्घटना के वक्त उसने सावधानी से काम नहीं लिया। अब वो क्या करे और क्या ना करे, यही चिंता उसे खाए जा रही थी। और इस वक्त उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो निर्जा की बात मान ले। लेकिन उसके लिए उसे अपनी पत्नी श्रीजा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएगा वो अपनी बेकसूर पत्नी को? और इस सब में श्रीजा का क्या कसूर था? वो तो पूरी तरह से निर्दोष थी। हर्ष के किए की सजा श्रीजा क्यों भुगते? लेकिन हर्ष को इस वक्त इस मुसीबत से बाहर निकलने का दूसरा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसे 2-3 दिन में बैंक में 4 लाख रुपए जमा करने थे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है, और श्रीजा पूरी तरह से पत्नी धर्म निभा रही थी। लेकिन हर्ष को जायज और नाजायज में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी और अपनी बदनामी नजर आ रही थी। हर एक इंसान की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है। वो कहते ना कि भगवान या वक्त सबकी परीक्षा लेता है। अब इस मुश्किल वक्त में हर्ष क्या करता है, आइए देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। नहीं मैम, चाय नहीं। देखिए मैम, मेरे मन में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, और जो कुछ भी मैं करूंगा वो एक कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि लाइफ के एक ऐसे चक्रियों में फंस गया हूं मैं, जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए मैं बहुत मजबूरी में ये फैसला लेने जा रहा हूं।
मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस प्लीज मुझसे प्यार की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं जानती हूं हर्ष, तुम्हारा प्यार पाना मुझे बहुत कुछ करना होगा, पर मुझे वो सब मंजूर है। तो ठीक है मैम, आप मुझे इस गबन के केस से आजाद करवाइए और मैं श्रीजा को रास्ते से हटा दूंगा और आपसे शादी कर लूंगा। नहीं हर्ष, जब तक श्रीजा रास्ते से नहीं हटेगी मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगी। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है, मैं उसी दिन तुम्हारे बैंक में 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा और फिर 3-4 दिन बाद हम कोर्ट में चुपके से जाके शादी कर लेंगे। पर श्रीजा को रास्ते से इस तरह से तुम्हें हटाना होगा कि किसी को शक ना हो, कोई केस ना बने, पुलिस इन्वॉल्व ना हो। अब ये तुम कैसे करोगे ये तुम्हें सोचना है। ठीक है मैम, आप टेंशन मत कीजिए, हाँ बस शादी की तैयारी कीजिए। श्रीजा को रास्ते से इस तरह से तुम्हें हटाना होगा कि किसी को शक ना हो। अब ये तुम कैसे करोगे ये तुम्हें सोचना है। वाइपर कहते हैं वाइपर, एक बार अगर किसी को काट ले तो इंसान सीधा मर जाता है, पानी भी नहीं मांगता, इतना जहरीला सांप है ये। कब से कर रही हो ये काम? वो पहले अन्ना के साथ काम करता था ना मेरा बाप, उसके मरने के बाद मैं ही करता हूँ तब से। अच्छा सुनो, मुझे एक सांप चाहिए, वो भी जहर वाले दांत के साथ। जहर वाले दांत के साथ? उसका क्या करोगे साहब आप? मेरा एक फ्रेंड है जिसे सांप बहुत पसंद है, उसका बर्थडे आ रहा था तो मैंने सोचा कि उसे सांप गिफ्ट कर दूं। बर्थडे पे गिफ्ट में सांप? अरे वाह वाह साहब, क्या आइडिया है आपके पास। ठीक है ला दूंगा। हाँ मगर सांप कौन सा चाहिए आपको? ये वाला। आप ये तो किंग कोबरा है, ये बहुत जहरीला होता है, इसे तो पकड़ना पड़ेगा साहब। हाँ तो पकड़ो ना फिर। चाहिए बताओ पैसे कितने लोगे? क्या साहब आप बात करते हो, मैं तो आपके यहाँ पे खेल दिखाता हूँ, आप ही तो हमारे अन्नदाता है। मगर आप इतना कह रहे हो तो ईमान से आप 10,000 रुपए दे दो बस। ठीक है दे दूंगा। लाओगे कब तक? जल्दी जल्दी ला दूंगा। ठीक है ध्यान से काम करना। हाँ। साप, वो थोड़ा एडवांस मिल जाता था तो साप जल्दी पकड़ में आ जाते हैं ना। ठीक है ये लो 5,000 है। हाँ। बाकी काम के बाद। हेलो। हाँ बोलो। हाँ आपने जो सांप मंगवाया था वो मैं लेके आया हूँ, आप ही के घर के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है तुम ही रुको मैं आता हूँ।
एकदम ओरिजिनल वाला किंग कोबरा साहब, वो बचे हुए पैसे ये लो और निकलो यहां से। चलो सर। बोली मत श्री श्री, हिला मत हिला मत, कोई भी हिला मत। हिला मत, हिला मत, कोई भी हिला मत, प्लीज प्लीज। हर्ष संभल के, हर्ष मुझे संभल के। डरो मत, चला गया वो। अरे रो मत, गया वो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे रास्ते का कांटा अभी तक हटा नहीं। बट मैम, मैंने निकालने की कोशिश तो की थी ना। उसे मुझे नहीं पता, आज वर्किंग सैटरडे है, परसों मंडे है, और मैं जाकर हेड ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हारे पास मंडे तक का वक्त है, अगर पैसों का इंतजाम कर पाए तो ठीक है, वरना मैम अगर आज आप वो पैसे हेड ऑफिस में जमा करवा देंगे तो। नहीं, जब तक श्रीजा रास्ते से नहीं हटेगी मैं कुछ नहीं करूँगी। मैम मेरी बात तो सुनी मैम। साहब, ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं आपके साथ कोई डील नहीं करूंगा। अगर पुलिस को पता चल गया ना कि मैं साहब बेचता हूँ तो मेरा धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, मुंह बंद रखो अपना, ये लो। साहब इसके 15,000 लगेंगे। पर बात तो 10 की हुई थी ना साहब। वो उस साहब की, वो किंग कोबरा था, ये वाइपर है, उससे भी जहरीला और महंगा है ना थोड़ा। ठीक है, ये लो। संभाली अपने आप को, रोइए मत। देखिए भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चलती। वेल्डन हर्ष, मंडे को तुम पे जो गबन का इल्जाम लगाए ना वो हट जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए चले।
राम नाम सत्य है, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। मैम आप यहाँ? इन्हें मैंने बुलाया है। मेरी बेटी की मौत एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया, उसे जानबूझ के सांप से कटवाया गया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि ये हादसा एक बार पहले भी हो चुका है और उस दिन किस्मत से मैं अपनी बेटी के पास पहुंच गई थी और उसे बचा लिया था, आज नहीं पहुंच पाई। ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है और ये सब मेरे दामाद ने करवाया है। मम्मी जी ये क्या बोल रहे हैं आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? देखिए मैम, श्री मेरी बीवी थी और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। भला मैं श्री को क्यों मरवाऊंगा? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। नहीं मैम, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। देखिए शांत हो जाइए आप दोनों, जो भी सच है सामने आ ही जाएगा। आप दोनों घर किचन तलाशी लीजिए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। देखिए मिस्टर हर्ष, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, तो हमें इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी ना। देखिए आप बयान लिखवा दीजिए कि आप किस आधार पर इन्हें दोषी मान रही हैं। मेरे दामाद पे गबन का इल्जाम, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने बैंक से रुपए चोरी किए। इसे गबन के इल्जाम से निकालने के लिए मेरी बेटी को पैसे चाहिए थे, मेरी बेटी ने मुझसे पैसे भी मांगे थे। उन पे 8 लाख रुपए का गबन का इल्जाम लगा और एक दिन मैंने इसे रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा था। देखिए मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं और बयान भी ले लिया है। मैडम ये घर की तलाशी में लैपटॉप और मोबाइल मिला है। मिस्टर हर्ष, जब तक पुलिस की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपकी वाइफ की बॉडी हमारे कब्जे में रहेगी। चल यहां पे सिग्नेचर कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। रुकिए मिस्टर हर्ष, मैं आपको आपकी पत्नी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस सपेरे से आपने 2 बार खतरनाक जहरीले सांप खरीदे और दोनों बार आपकी पत्नी के साथ वो हादसे हुए। इसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। आपको अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए था ताकि आप उस गबन के इल्जाम से छूट सके। जांच अभी चल रही है, देखते हैं और कौन कौन इस साजिश में दोषी पाए जाते हैं। You are under arrest. मैम मैंने कुछ नहीं किया है। मैम वो एक एक्सीडेंट था। मुझे छोड़ दो। मैम प्लीज try to understand. अपने ऊपर आई मुसीबत से बचने के लिए किसी की जान ले लेना, घिन आती है हर्ष जैसे लोगों को देखकर। माना कि उसकी जिंदगी एक ऐसे दलदल में फंस चुकी थी कि जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी निर्दोष की बलि चढ़ा दें। अगर वो धैर्य संयम और सूझबूझ से काम लेता तो यकीनन किसी जायज तरीके से इस मुसीबत से बाहर निकल सकता था, लेकिन नहीं, उसने जुर्म का रास्ता चुना और अपनी पत्नी की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस को दिए गए बयान में उसने निर्जा के बारे में भी बताया और पुलिस ने निर्जा के षड्यंत्र का भी पर्दाफाश किया और अदालत ने हर्ष और निर्जा को उनके किए गए जुर्म के लिए कड़ी सजा सुनाई। दोस्तों जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, वो कभी छुपता नहीं है। अपराधी एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है, इसलिए आप भी अपनी आंखें खुली रखिए, अपने चारों तरफ चौकन्ने होकर देखिए कि कहीं कोई ऐसा जुर्म तो नहीं हो रहा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तुरंत कानून की मदद लें, पुलिस को बताएं और जुर्म को होने से रोकें। एक जिम्मेदार नागरिक बनने की गुजारिश करते हुए
अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।